नमस्कार, मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। देश में शहरों और सड़कों का नाम बदलने का दौर चल रहा है। मुगलसराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद से अयोध्या, क्या अब बारी है अहमदाबाद से कर्णावती और लखनऊ से लक्ष्मणपुर होने की? जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार कब शहर और सड़कों के नाम बदल दे यह तो किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछले दिनों यूपी में ऐसे बहुत सारे शहर और सड़कों के नाम बदले गए हैं और अभी बदलने बाकी हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दिनों हमारे देश में नाम बदलने का एक नया मौसम चल रहा है। जी हाँ, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। 4 अगस्त 2018, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। फिर 16 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया। 6 नवंबर 2018 फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया। ये भी नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही रखा था। ये तो थे बदले गए स्टेशन और शहरों के नाम, और अभी जो बदले जाने हैं जरा उस पर भी गौर फरमाइएगा जनाब। अब बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन का कहना है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर होना चाहिए। इसी के साथ गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती रखने के बारे में सोच रहे हैं। भला जब सब आगे आकर नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये महाश्री विधायक कहाँ पीछे रहने वाले थे। इन्होंने भी अपनी मन की बात कह डाली। आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर का भी नाम मुजफ्फरनगर नहीं था। 1633 में वहाँ एक नवाब हुआ करते थे जिनकी वो रियासत थी, उनका नाम था मुजफ्फर अली। मुजफ्फर अली ने अपने नाम पे मुजफ्फरनगर नगर बसाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुजफ्फर अली कोई ऐसे तो देश के महान व्यक्ति नहीं हुए जिनके नाम पे वो शहर बसे? हमेशा से सदियों से लोग वहाँ के डिमांड करते आ रहे हैं, उसी डिमांड के जरिए हमने ये मांग नहीं रखी है। मुझे लगेगा ये बहुत जल्दी होगा कि मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करा जाए। हिंदुस्तान की संस्कृति बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सब काम करेगी। संस्कृति हमारी धरोहर है, हिंदुस्तान की पहचान हमारी संस्कृति है। जिसका भी इस तरीके का नाम होगा वो बदला जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि सर्दी आए या ना आए पर नाम बदलने का मौसम जरूर आ गया है। अब ये तो थे नाम बदलने वाले नेता, एक नेता ऐसे भी हैं जिन्हें शहरों और सड़कों का नाम बदले जाने पर बहुत गुस्सा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही बॉस सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सब बीजेपी का ड्रामा है, और जब भी पिछड़े दबे कुचले समाज के लोग अपनी मांगों को उठाते हैं उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इन मुद्दों को उछाल देती है। सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है कि क्या नाम बदलकर सरकार सिर्फ भावना को भूल रही है? आखिर कब तक नाम बदलने की राजनीति चलती रहेगी? क्या बदलते दौर में लोगों को बदलता हुआ इतिहास नजर आएगा? क्या सरकार इतिहास को भुलाकर संस्कृति लाना चाहती है? अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए 24/7 के साथ। धन्यवाद।